मशहूर रैपर रफ्तार उर्फ दिली नायर और उनकी पत्नी कोमल शादी की 6 साल बाद तलाक ले रहे हैं। दोनों काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं और ऑफिशियली अलग होने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने 2020 में ही तलाक की अर्जी दे दी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उनका तलाक नहीं हो पाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच शादी के कुछ समय के बाद ही परेशानियां शुरू हो गई थी। अब दोनों ने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और तलाक ले रहे हैं। सूत्र ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण उनका तलाक टल गया था। अब दोनों 6 अक्टूबर 2022 को तलाक लेने के लिए कागजात पर साइन करेंगे। इस बात को उनके करीबी जानते हैं। बता दें कि रफ्तार और कोमल ने लव मैरिज की थी। दोनों 2011 में एक दोस्त की पार्टी में मिले थे और पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। 5 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद 2016 में दोनों ने शादी के बंधन में बन गए थे। अब दोनों शादी के 6 साल बाद अलग हो रहे हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है और शादी की तस्वीरें भी डिलीट करती हैं। कोमल अभिनेता करण और कुणाल बोहरा की बहन हैं। साथ ही रफ्तार ने अपने करियर की शुरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी। इसके अलावा वह बॉलीवुड की कई फिल्मों के गाने गा चुके हैं। वहीं वह रूडीज़ में गैंग लीडर और डांस इंडिया डांस के सीजन 7 में भी जज की भूमिका निभा चुके हैं। रफ्तार ने झलक दिखला जा डांसिंग रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की तमाम जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यहाँ से बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारी आगे की आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे इसी तरीके की एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।